subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. स्टार प्लस के पॉपुलर शो यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आने वाला है बहुत ही बड़ा मोड़। जहाँ बात की जाए हाल फिलहाल के एपिसोड की, तो देखने को मिल रहा है कि किस तरह से गोयका हाउस में मातम छा गया है, क्योंकि सभी को पता चल गया है कि नायरा की मौत हो गई है, जिसके बाद नायरा कभी भी लौट कर उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। लेकिन हम आपको बताएं कि शो की कहानी अब आगे बढ़ेगी और शो के अंदर 5 साल का लीप आएगा। लीप के बाद की कहानी और ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, जहाँ पर आपको नायरा की पहली झलक देखने को मिलेगी। जिंदा नायरा आज भी अपने कार्तिक से बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो आज भी अपनी मांग में कार्तिक के नाम सिंदूर लगाती है और अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत उपवास भी करती है। जी हाँ, ये सब कुछ आपको 5 साल बाद के ट्रैक में देखने को मिलेगा, जहाँ नायरा के दिल में कार्तिक के लिए बेशक ढेर सारी नाराजगी और नफरत हो, लेकिन प्यार भी कहीं ना कहीं वो बेहद करती है और अपने कार्तिक को वो कभी भी नहीं भूलेगी। जिसके बाद आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि कार्तिक के जीवन के अंदर भी एक नई लड़की की एंट्री होगी, जिसका नाम है पंखुड़ी अवस्थी। जी हाँ, ये लड़की एक नई भूमिका निभाने वाली है कार्तिक की लाइफ में, जो कि उसकी केयर टेकर बनेगी। केयर टेकर के साथ साथ उसे कब कार्तिक से प्यार हो जाएगा ये उसको भी मालूम नहीं पड़ेगा। वेल, कार्तिक और नायरा की इस बदली हुई ज़िंदगी को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़। निज़म की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।